हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशा माई स्टूडियो। मैं हूं राजेश और मेरे साथ में है सुनील नामदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं, नामदेव जी एक इंस्टॉलेशन की तैयारी कर रहे हैं। सोनी का IV300 ये मॉडल है, म्यूजिक सिस्टम है, 5.1 चैनल में आता है, 1000 वाट में ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम है। 2-3 सालों से एकदम बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है और सबकी पसंद बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह से हमें प्रेरणा देते रहिए ताकि हम एक से बढ़ के एक वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील नामदेव, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा होम थिएटर 5.1 में, जिस पे 5 स्पीकर मिलेंगे आपको, एक पावरफुल बेस सबवूफर मिल जाएगा 1000 वाट पे और उसके साथ डिजिटल एम्पलीफायर दिया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है सोनी का ST IV 300। तो इसका आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, सेटिंग करके दिखाएंगे और इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और जिसको सुनने के बाद आपको, आपने भी इसका कभी सुना होगा, बहुत पहले से ये मॉडल चल रहा है, म्यूजिक सुनने के बाद लगेगा आप थिएटर में बैठे हैं, ऐसा फील होगा आपको, घर में महसूस करेंगे। तो आइए हम आपको इसकी आज अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और इस पर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप, वीडियो को हमारे पूरा देखें ताकि आपको लास्ट तक जो भी इसमें डिटेल हमने आपको जो भी जानकारी दें आपको समझ में आए। और कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूं, आपको दिखाता हूं। We'll be right back.
दोस्तों इस पे क्या क्या पोर्ट मिल जाते हैं आपको बता देते हैं। ये इस पे सॉकेट मिल जाते हैं, कलर बाई कलर हैं, सभी स्पीकर के लिए अलग अलग कलर के लिए दिए हुए हैं, आपको इस पे सेट करके भी दिखा देंगे। और ये फ़ैन दिया हुआ है जिससे आपका डिवाइस गर्म नहीं हो, उसके लिए आपको फ़ैन दिया। इस पे ऑप्टिकल से भी आप इस पे ले सकते हैं साउंड, ऑप्टिकल का पोर्ट दिया हुआ है। इस पे ऑक्स मतलब ऑडियो इन दिया हुआ है, ऑडियो इन है, तीनों में ले सकते हैं, सिंगल है डबल है। और ये पॉइंट दिया हुआ है एफएम एंटीना का। और इस पे आपको देखिए एचडीएमआई के दो इन मिल जाते हैं, एचडीएमआई 1 और एचडीएमआई 2। और एक आपको एआरसी का भी इस पे पोर्ट मिल जाता है आउट का, एचडीएमआई आउट। इसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे तो आप टीवी से वीडियो देख सकते हैं। और इस पे देखिए आप इस पे आप देख सकते हैं एचडीएमआई मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ मिल रहा है इस पे, और डॉल्बी ट्रू एचडी साउंड मिल जाएगा इस पे, डीटीएस एचडी आप इस पे साउंड ले सकते हैं, और वीडियो एक्स वीडियो मिल जाएगा आपको इस पे एचडी, फुल एचडी में ले सकते हैं। इसको पावर लगा के देख लेते हैं, इसको पावर लगा देते हैं पहले। आप देख सकते हैं इसका पावर ऑन हो गया है। इस पे आपको ये वायर मिल जाते हैं, सभी स्पीकर के लिए अलग अलग वायर दिए हुए हैं। वायर को भी अपन लगा लेते हैं, एक एक वायर सेट करके बताते हैं आपको। ये इस पे ही कलर वाइज कलर आपको इस तरह सेट करना है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस पे पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लगाएंगे, ब्लैक का है, इसको इस पे लगा लेते हैं इस तरह, और प्लस का इस पे लगा देते हैं। ये आपका एक कंप्लीट हो गया स्पीकर। इसका पोर्ट भी, इसके वायर इसका लगा दिए हमने, इसको यहाँ रख लेते हैं। दोस्तों ये एआरसी का केबल, ये पोर्ट दिया हुआ है, आप इसको यहाँ लगा लेते हैं। और ये केबल जो है इसको टीवी के साथ लगा लेते हैं अपन, तो टीवी का भी साउंड इस पे आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, टेबल टॉप है हमारे पास, तो व्यवस्था है टेबल के लिए। आप भी चाहें तो टेबल पर सेट कर सकते हैं, और चाहे तो दीवार में वॉल माउंट भी कर सकते हैं। दो स्पीकर आपको, ये दो, एक सेंटर स्पीकर ये सेंटर में रहेगा, दो आप सराउंड के लिए दो साइड में स्पीकर लगा सकते हैं लेफ्ट और राइट, और दो जो पीछे अपने स्पीकर लगाएंगे आप, या तो आप सोफा के पास बैठे हैं या कुछ भी कुर्सी में बैठे हैं, उसके पीछे आपको दो स्पीकर लगाने हैं। एक पे देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या है। रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ये पावर का बटन दिया हुआ है, और इस पर एचडीएमआई 1 या एचडीएमआई 2 से चलाना है उससे चला सकते हैं, टीवी के लिए दिया हुआ है। और इस पर यूएसबी में ये फंक्शन का बटन दिया हुआ है, तो फंक्शन से आप इस पर देखिए, फंक्शन में आप जाएंगे तो इस पर पोर्ट चेंज होंगे, ये एचडीएमआई 1, एचडीएमआई 2 आ जाएगा, और ये टीवी के लिए, टीवी आप चलाना चाहें टीवी में चला सकते हैं, ये ऑक्स के लिए है, और ये ब्लूटूथ में, ये ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं,
ये सारे फीचर्स दिए, ये ऑडियो के लिए है। ये सारे फीचर्स आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं और इस पर सेटिंग कर से सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको साउंड सेंटर स्पीकर चलाना है या आपको बेस भर चलाना है या कोई स्पीकर आपको बंद करना है सराउंड, तो उस पर सारे फंक्शन दिए हुए हैं, आप इसको चला सकते हैं। और इस पर म्यूजिक के लिए भी दिया है, सिनेमा मोड दिया हुआ है, मूवी मोड दिया हुआ है, सराउंड फील्ड दिया हुआ है, सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ये इस पर आपको ये वाईफाई सर्टिफाइड म्यूजिक सिस्टम है, 1000 वाट पे मिल जाएगा आपको। इस पर देखिए ब्लूटूथ शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है, ऑप्शन पे है, होम में जाएंगे आप, इस पर सारे फीचर्स आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिस्प्ले में आएगा, ये म्यूट के लिए बटन दिया है, ये वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है, ये फॉरवर्ड और बैक के लिए दिया हुआ है, सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे आपको। ये आपको इस पर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बटन क्लियर ऑडियो प्लस भी मिल जाएगा इस पर आपको, देख सकते हैं। और ये म्यूजिक के लिए है, आप म्यूजिक में जाएंगे, ये मूवी के लिए, मूवी आप देख रहे हैं तो मूवी बटन तक दबाएंगे। और ये साउंड को आपको सेटिंग करना, बेस कम ज़्यादा करना, तो साउंड फील्ड में जाएंगे तो साउंड फील्ड में आप सेटिंग वगैरह सब इस पर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसका साउंड सुन लेते हैं, बहुत ही पावरफुल साउंड है इसका। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लूटूथ में इसका मॉडल नंबर आ जाएगा, पेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं पेयर कर ले। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने अगर ये म्यूजिक सुनने के बाद आपको जो है पीवीआर और थिएटर की याद तो आपको ज़रूर आई होगी, क्योंकि मैंने भी जब इसका म्यूजिक सुना तो, हालांकि मैंने कई बार इसका म्यूजिक सुना है, लेकिन आज जो म्यूजिक नामदेव जी ने सुनाया तो ज़बरदस्त म्यूजिक था। और दोस्तों नामदेव जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक एक चीज़ आपको इंस्टॉल करके बताई, अनबॉक्स भी किया और सारे फीचर्स वगैरह बताई दिए हैं, होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये कोई भी 5.1 में 1000 वाट में और इस बजट में, बजट रेंज क्या है, प्राइस क्या है नामदेव जी, आपने बताया नहीं, 28990 में है। और प्राइस में कितने में मिल जाता है? प्राइस मार्केटिंग में 23990 में मिल जाता है। हाँ, ऑफर प्राइस में ये 23990 रुपये या उससे कम में भी मिल जाएगा। और अगर आपको लेना है, अब नामदेव जी के आसपास हैं तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी सोनी सेंटर या कोई भी वो है मल्टी ब्रांड स्टोर है तो वहाँ पे जाकर के आप ट्राई करिएगा, उससे मांगिएगा सोनी का IV300 हमें दीजिए और उसका डेमो ज़रूर लीजिएगा। डेमो लेने के बाद में मैं पक्के तौर पे कहता हूँ कि आपको ये म्यूजिक सिस्टम 100% पसंद आएगा। और इस प्राइस रेंज में 23 से 24 हज़ार में ऐसा कोई भी म्यूजिक सिस्टम अभी तक नहीं बना है जो इसको टक्कर दे सके, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि इस वीडियो को देखें। और तो दोस्तों अब हमें जाना होगा, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।